गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिव रावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे ब्लॉग की। और आपने पहले वाले ब्लॉग में अगर आपको देखा होगा तो हम लोगों ने पूरा यूनिवर्सिटी टूर किया था। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो कोशिश करेंगे हम कुछ ना कुछ इक्विपमेंट साथ में लेके आएँ। ये है आपका योग केंद्र। बट जो भी था आज, मतलब थकान बिल्कुल भी लगी नहीं। ऐसा लगा कि हम पूरा एकदम ग्रीनरी में मस्त। अनूप ने मिस किया, अभी इसको बताएंगे कि दर्शन लिखा हुआ है, होपफुली टेंपल होगा। आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और ऑफिसर्स मेस। अनूप भी बैठ गया पूरा, इतना बड़ा सभागार। हेल्दी ब्रेकफास्ट रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिव रावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। कल हम पूरा दिन बिजी थे, इंटरव्यू, कैंपस, वही सब चल रहा था, तो कुछ रिकॉर्डिंग का टाइम मिला नहीं। जो था वो सुबह सुबह का था और अब नेक्स्ट डे मैं शुरुआत करूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई के लिए। करीब करीब 8-8.5 घंटे का रास्ता है बाई रोड, सो देखिए कितने बजे पहुँचते हैं। फिलहाल तो जा रहे हैं अभी नाश्ता करने। अभी बज चुके हैं घड़ी में 7:50, तो 8 बजे के आसपास नाश्ता करके 10 मिनट में निकल पड़ेंगे। तो ये था हमारा अतिथि गृह, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स वगैरह सब रुकते हैं। और यहाँ पे लोग एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे उनको स्टे वगैरह दिया जाता है। और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ता करके फिर देखते हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं। जाने के टाइम एक रास्ते में पूरा जाम लगा हुआ था, अभी होपफुली वो ना हो। क्या हो गया? जाम लगा, फिर गंदे गंदे खैलाते। चलिए हो गया हम लोगों का नाश्ता पानी, अब हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। हम लोग निकल पड़े हैं गति शक्ति से। तो हम लोग आ गए हैं मैकडोनाल्ड में लेने के लिए एक कॉफ़ी। फिलहाल अभी हम पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। तो अभी भी 6-7 घंटे दिखा रहा है हम लोग को बॉम्बे पहुँचने के लिए। ऑलरेडी 1:15 बज गया। तो कितनी सारी गायें हैं सारी ना। हाँ वाह, चलिए आ गए हम लोग अभी सूरत में। अब फिलहाल थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, लंच किया नहीं, थोड़ा लंच करते फिर निकलते। कैसे एकदम कट पट करके जिधर जिधर से आ रहा उधर से घुमा दे रहे ट्रक वाले। और इस रूट पे तो तुमको हमेशा मिलेगा ऐसा, तीन तीन ट्रक तीनों लाइन पे चल रहे अपनी लाइन छोड़ के। गुड इवनिंग एवरीवन, जस्ट पहुंचा हूं मैं अभी घर पे। और अभी कॉल भी मेरी चल रही थी पिछले 4-5 घंटे से, अभी जस्ट वो भी फिनिश हुई है, अभी जस्ट आए। सो ये देखिए रैम्बो भाई को आपने बहुत दिन से देखा नहीं हुआ। हाय रैम्बो, हाय, क्या हाल है, बोल दो कुछ, फलो फलो है, खेल के बैठ गया वो। अरे टिन्नी भी दिखाई नहीं थी तुम्हें बहुत दिन से, फिर टिन्नी बोली मैंने बाल नहीं बनाए। हाँ बनाई नहीं मैं बाल। आज सब्जी बन रही है हमारी गोभी की, इसमें दाल है, चावल लिख रहे हैं और आलू गोभी की सब्जी। देखिए ये नज़ारा भी आपका बहुत दिन से छूटा होगा, एकदम चांद भी आ गए और पूरी प्यारी प्यारी हवा भी मस्त सी चल रही है। ये वाला व्लॉग में देख नहीं पाया था तो अभी देख रहा हूँ। ओ भरता वीडियो में देख रहा है बच्चों को, फिर भौंक रहा है। देखो कल भी ऐसी भौंकटी ने बता रही थी। चलो फ्रेंड्स, अभी ज्यादा ब्लॉगिंग हुई नहीं और थोड़ी बहुत ही हुई है, देखते हैं 3-4 मिनट की हुई है, अगर ज्यादा होनी होगी तो और कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। पर इस व्लॉग को फिलहाल करेंगे यहीं एंड। अभी हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिव रावत चैन ऑफ लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। तो आज हमने दोबारा से बाहर वाली वॉक शुरू की है, जिम वाली नहीं। जिम हम सोच रहे हैं जब
बरसात होगी तब जाएंगे। फिलहाल तो फ्लक्चुएशन लाइफ में लेके आनी ही चाहिए, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। क्योंकि जिम में क्या है ना, 20 मिनट से ज़्यादा ट्रेडमिल होती नहीं है और 20 मिनट में वो रिदम बनता नहीं। वॉक में कम से कम 1 घंटे का रिदम बन जाता है। कि ये एडवेंचर आपको कहाँ मिलेगा, ये वॉक में ही मिलेगा। बाप रे बाप, सनराइज भी हो गया, जय हो सूर्य देवता। देखो हाँ, उन्हीं का है। यहाँ का व्यू एकदम फर्स्ट क्लास, आराम से पूरा फॉरेस्ट जंगल और उस सामने हाईवे। एक रास्ता जा रहा है, कहाँ जा रहा है हम थोड़ा सा यहीं तक देखने के लिए आ रहे हैं। रास्ता देखने के लिए गया हूँ, नीचे पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहा होगा। फिलहाल अभी टाइम नहीं है, सब एक्सप्लोर करेंगे बाद में करेंगे। तो ये रहा वो रास्ता, यहाँ से ऐसे घूम के फिर यहाँ से सामने जा रहा है। सीट मतलब पहाड़ चढ़ने में उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी तकलीफ आपके उतरने में होती है, क्योंकि आपके घुटनों पे ज़्यादा जोर पड़ता है। ये देखिए आजकल हमारा पूरा वॉल प्रिंटिंग चल रही है, ज़बरदस्त। और दिखाता हूँ आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया बना रखी है हमें प्रिंटिंग। ये हर जगह पूरे मुंबई में मोटा मोटी सब जगह में देखो कितना प्यारा काम हो रहा है। डॉल्फिन ये देखिए, ये पेंटिंग ना बहुत चल रही है, ये मेरे को वहाँ पे भी मिली थी, क्या बोलते गुजरात में यूनिवर्सिटी में। चलिए मंदिर के भी दर्शन, सुबह सुबह आपकी भी। चलिए आज की होगी एक्सरसाइज, 5 किलोमीटर अभी तक हम चल चुके हैं और मेरा है कम से कम 8 किलोमीटर का टारगेट दिन भर में। निकल रहे हैं हम अभी ऑफिस के लिए, आज मैं जा रहा हूँ करीब 4 दिन बाद, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 5 दिन बाद ऑफिस। आज 10,000 का टारगेट लिया है स्टेप्स का, 10,000 स्टेप पूरे करने हैं। जैसे भी हो वेस्टर्न भी कराना है, ड्यू हो गया तो आज आने के टाइम पे उसको करवाते हैं, या अभी जाने के टाइम मिल जाएगा तो तब कर लेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू यून शिवरा बच्चे एन ऑफ इवनिंग व्लॉग। का हमारा बन रहा है पनीर द पराठा आज, ऑलरेडी मेरा पराठा बन गया, चाय के साथ हम इसको खाने वाले हैं। ये मेरे पराठे बन गए, क्या बात है। बट इस बार मैं ज़्यादा नहीं खाने वाला हूँ क्योंकि इस बार मैं सिर्फ 2 ही खाऊंगा। पिछली बार मैंने मज़े में 4 खा गया था, पिछली बार मतलब हो गए होंगे 1 साल हो गए क्या पनीर का पराठा बनाए हुए। एक साल नहीं हुआ, कितनी बार बना, 1.5 साल हो गया बोल रही। 1 साल पराठे 1 साल का गैप नहीं है। परोठे लगा रहे, टीना बोल रही थी आज आलू के पराठे, मैंने कहा यार आलू नहीं बना ले, प्रोटीन ही खा लेते हैं, जिसके लिए आज हमने पनीर के पराठे बनाए। चलिए हम पनीर पराठे का करते हैं एंजॉय तब तक। और ये हमारी है चाय, चाय के साथ की 3 को डाल रही है। अच्छा थाली मेरी है, ओके मैं लेके आती हूँ, ये चाय और ये लेके चाय लेके जाता हूँ। बटर चाहिए? हाँ। ये हमारा हीरो घूम के आया है अभी, सो जा, कोई नहीं है, स्लीप स्लीप स्लीप। तो ये देखिए पराठा, और ये बहुत मस्त बना है, इसमें देखो कितना मसाला डला, एकदम मस्त। तो चलिए हम करते हैं एंजॉय, आप भी कीजिए अपना डिनर एंजॉय। हम लोगों का डिनर वगैरह मस्त हो गया, बढ़िया। कल वीर का भी मैच है, कौन सा मैच है वीर कल तेरा? खानसोली में है उसका क्रिकेट मैच कल, कल गुड फ्राइडे भी है तो उसके लिए जा रहा है। और अभी फिलहाल मौसम बढ़िया हो रखा है, शाम का मौसम मुंबई का एकदम मस्त हो जाता है, सुबह भी ऐसे ही रहता है, दिन में थोड़ा कभी कभी गर्म हो जाता है। तो चलिए इसको मैंने पिछला कल का आधा और आज का आधा करके एक ब्लॉग मैंने पूरा कंप्लीट किया है। कल ज़्यादा टाइम लगा नहीं, रास्ते में आते आते मीटिंग हो रही थी तो मीटिंग करते करते वो 3 बजे स्टार्ट हुई मीटिंग, शाम को 8:30 बजे तक चली। और आज भी ऑफिस गए तो पूरा दिन मीटिंग थी, तो शाम को अभी आके खाने का ही ब्लॉग हुआ जितना हुआ है। पता है बंदर आए थे आपने यहाँ पे भी आए?
हाँ इधर चढ़े तो थे, पता नहीं किधर चले गए, दो थे एक बड़ा एक छोटा। ध्यान रखना वो पूरा कंप्यूटर पर काम करके जाते हैं, फिर वो कंप्यूटर पे उन लोगों के घरों में घुस के पूरा कंप्यूटर वंप्यूटर ये सब छेड़खानी करके आते। यहाँ तक आ गए थे मतलब, इतने फ्लोर पे कैसे आएंगे ऊपर, मतलब कहाँ तक आए ना ये मेरे को नहीं दिखा ना, यहाँ तक आए हूँ क्या पता, और वहाँ से कहाँ गए ये पता नहीं। आज हनुमान जयंती थी इसलिए हनुमान जी भी आगे लग रहा है, तो ऐसे फोन को ना इस साइड ले जाने में थोड़ा डर लगता है। एक बार मैंने ऐसे ही ब्लॉग बनाया था और पूरी स्टिक लेके आया था, मोबाइल स्टिक जो होती है, और इतनी दूर से बनाया तो मेरे को पता है कितनी हालत आई थी। तो मेरा ब्लॉग है उसका आप देख सकते हो। तो फिलहाल इस ब्लॉग को कर रहे हैं यहीं ख़त्म, बने रहिए मेरे साथ शिव रावत चेन ऑफ लाइफ के साथ।